फूल सभी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन गुलाब जो है एक यूनिक प्लांट होता है जिसमें फ्रेग्रेंस भी होती है और प्लांट के फ्लावर जो है बहुत ही सुंदर से दिखाई देते हैं। इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो ऐसे ही कुछ कलर मैंने भी अपने गार्डन में ऐड किए हैं जो कि आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और मेरी तरह अगर आप भी रोज का प्लांट अपने गार्डन में न्यू ऐड करते हैं तो जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे आप भी लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जो मैंने रोज प्लांट परचेज किए उनको मैं अपने गार्डन में किस तरीके से ऐड कर रही हूँ प्लांटर में लगा करके। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। रोज प्लांट में बहुत सारी वैरायटी रहती है, बहुत सारे नाम रहते हैं, लेकिन मुझे नाम तो नहीं पता है। मुझे नर्सरी में प्लांट बहुत हेल्दी लगे और थोड़े से यूनिक लगे जो कि हमेशा नहीं अवेलेबल रहते हैं, तो मैंने अभी परचेज कर लिया है। वैसे रोज के प्लांट हमारे गार्डन में बच तो नहीं पाते हैं मंकीज की वजह से, लेकिन तब भी कोशिश करूंगी कि इस बार रोज प्लांट में अच्छे से ग्रो कर पाऊं। ग्रो तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही उनमें पत्तियां अच्छी अच्छी न्यू न्यू ग्रोथ आती है तो उनकी सभी लीव्स को मंकी खा जाते हैं। लेकिन हम तो है प्लांट लवर, हमको प्लांट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कहीं से निकलते हैं हमको नर्सरी दिख जाती है तो प्लांट लेना जरूरी हो जाता है। तो मैंने ये एक ऑरेंज कलर का रोज खरीदा है, वैरायटी मैंने जैसा बताया, मुझे वैरायटी का नाम नहीं पता है, आपको पता हो तो आप बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत सा लगा, इसकी पेटल्स जो है काफ़ी थिक हैं और बहुत टाइट पेटल हैं, बहुत हार्ड हैं। और दूसरा ये है येलो कलर का, बहुत सुंदर सा है। तो मैंने इसमें के दो दो प्लांट परचेज किए हैं, दोनों ही मतलब सेम ही कलर के प्लांट हैं, इनमें जो है फ्लावर ब्लूम हो गए हैं। एक ऑरेंज कलर का ये है, तो ये भी सेम उसी तरीके का शायद होगा, वैसे तो वैसा ही मुझे दिखा, अगर डिफरेंट भी होगा तो मुझे और अच्छा लगेगा, वैसे तो वैसा ही दिख रहा है। और दूसरा जो है येलो कलर का एक ये प्लांट है, तो मैंने दो कलर के दो प्लांट परचेज किए हैं, दो दो प्लांट सेम कलर के लिए हैं। एक प्लांट ये पीच कलर का है, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर है इसका, तो ये बताइएगा कौन सी वैरायटी है, मुझे इसका भी नहीं पता है। प्लांट बहुत ही हेल्दी थे तो मैंने इनको ले लिया है, अब इनकी हम रिपोर्टिंग करना देखेंगे। रिपोर्टिंग करने के लिए मैं आपको एक ही प्लांट रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। ये जो है सॉइल है, गार्डन सॉइल, जिसमें जो बारीक वाली सैंड रहती है वो मिक्स है गार्डन की सॉइल, इसको धूप में अच्छी तरीके से स्टरलाइज कर लिया है। ये जो है गोबर की खाद है, आपके पास में गोबर की खाद ना हो तो आप जो है बर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने गोबर की खाद ले ली है। इस बार हम जो सॉइल मिक्स बनाएंगे वो काफी अच्छा बेलरन बनाएंगे जिससे कि पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। तीसरा जो है ये है कोकोपीट, आपको ये कोकोपीट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि मैं बोरी में कोकोपीट लाती हूँ जो कि 20-25 किलो की जो बोरी आती है उसी में रहता है, तो ये इस तरीके से रहता है कोकोपीट और काफी अच्छा रहता है कोकोपीट, तो इसको मैंने ले लिया है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए करती हूँ ये, क्योंकि हमारे गार्डन में फुल धूप रहती है जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी 10 भी नहीं बजा है और बहुत तड़कती हुई धूप है, तो इससे जो है हमारे पौधों में जो है मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है कंस्ट्रक्शन सैंड, जो की बारीक वाली से थोड़ी मोटी वाली रहती है, इसकी मात्रा जितनी ही मैंने सॉइल ली है उतनी ही ज्यादा मैंने इसकी भी ली है। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन सैंड है जो कि जो वेस्टेज रहता है उसको समझ के जो है फेंकते हैं, वही वाला है, ये यूज होने वाला नहीं है। इस सैंड को मैंने इसलिए लिया है जिससे कि हमारे प्लांटर में जो है ड्रेनेज का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बहुत अच्छे से पानी जो है निकल सके, मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। सॉइल मिक्स इस तरीके से बनकर रेडी हो गया है जो कि काफी अच्छा भुरभुरा सॉइल मिक्स है। अगर हम सैंड की मात्रा अच्छे से मिला देते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है, मिट्टी बहुत ही वेलड्रन बनती है और गुलाब को जो है पानी बहुत ज़्यादा स्टोर होता है तो उसकी रूट्स जो है खराब होने लगती हैं, तो उससे जो है डाईबैक का भी प्रॉब्लम होता है जब पानी ज़्यादा स्टोर होने लगता है। बहुत ज़्यादा तो मैं गुलाब के बारे में नहीं जानती हूँ, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ और धीमे धीमे अपने गार्डन में गुलाब ऐड कर रही हूँ। प्लांट लगाने के लिए मैं ये नर्सरी पॉट यूज कर रही हूँ, लगभग ये 9 से 10 इंच का नर्सरी पॉट है, इसमें लगाऊंगी। देखने में तो थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है लेकिन प्लांट काफी अच्छे मेच्योर हैं, उनकी हाइट भी काफी अच्छी है और ड्रेनेज होल भी आप देख सकते हैं, इनको थोड़ा सा और मैंने बड़ा कर लिया है, थोड़े से छोटे थे। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए इस तरीके का सिंथेटिक कॉटन का यूज करूंगी और कुछ मैंने बड़े वाले स्टोन भी इसमें डाल दिए हैं। अब इस आधे गमले को हम इस सॉइल मिक्स से कवर कर लेंगे, मतलब कि फिल कर लेंगे। गमला हमारा आधा सॉइल मिक्स से फिल हो चुका है। अब ये जो पीच कलर का प्लांट है इसको हम रिपोटिंग करके दिखाएंगे आपको। रिपोटिंग करने के लिए सबसे पहले इसकी हम ये जो प्लास्टिक है प्लास्टिक को कट करेंगे। आपको प्लास्टिक से निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसको कट करके निकालूंगी।
कट करने के बाद आपको देख लेना है, नर्सरी में जो प्लांट होते हैं उनमें स्नेल वगैरह बहुत ज्यादा होती है, वहीं से हमारे गार्डन में जो है स्नेल्स आती हैं, तो इसको अच्छे से हमको निकाल लेना है। अब अगर आप नया नया प्लांट लगा रहे हैं, मतलब कि आपने बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग प्लांट की नहीं की है, नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो आप एज इट इज ऐसे ही प्लांटर में रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं रखूंगी, मैं इसकी थोड़ी थोड़ी सॉइल हटाऊंगी। और जब भी आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसके पहले प्लांट में पानी डालना बिल्कुल ना भूलें। देखिए इसमें देखो इधर वह कुछ व्हाइट कलर के लगा हुआ है, तो ये मिट्टी हमको काफी हद तक हटानी पड़ेगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो है मिट्टी बहुत ज्यादा है इसमें, और रेड सॉइल बहुत जल्दी गीली भी होती है और बहुत जल्दी सूख भी जाती है, लेकिन हमको बहुत ज्यादा इसमें खींचमतानी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको इसमें पानी डालना बहुत जरूरी है। इतना रूट बॉल हम इसमें रखेंगे, पूरा रूट बॉल हमको नहीं निकालना है, बस इतना निकाल देना है कि थोड़ी सी सॉइल बचे, बाकी का हट जाए। एक भी रूट्स टूटनी नहीं चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना है, रूट को बिल्कुल भी टूटने मत देना, इस तरीके से थोड़ा सा झड़ा लेना है। अब ये जो पॉट है, पॉट में हम ऐसे ही रख देंगे। अब हमको लगाना किस तरीके से वो बता दे रही हूँ। ये जो ग्राफ्टिंग पार्ट है, ग्राफ्टिंग पार्ट थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, मतलब कि 2-1.5 उंगली के बराबर, ये जो हमारा फिंगर का साइज है इससे जो है 1.5 से 2 उंगली उतना ही होना चाहिए, तो इससे जो है बेसल सूट बहुत अच्छी आती हैं। अब इसको हम फिल करेंगे। ये मैं तीसरा प्लांट लगा रही हूँ, मैंने 2 प्लांट पहले लगा ली हैं, उसके बाद में आपको मैंने वीडियो में दिखाया है, तो ये मेरा तीसरा प्लांट है, इसमें पहले सॉइल मिक्स फिल कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इतना सॉइल मिक्स फिल करने के बाद में अच्छे से आपको इसको उंगलियों की मदद से या कोई भी स्टिक वगैरह उसकी मदद से अच्छे से इसको साइड साइड से दबा देना है, जिससे कि जब हम पानी डालें तो हमारे गमले की मिट्टी में एयर नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से इसको पूरा फिल कर दूंगी। ये जो है हमारा प्लांट बहुत अच्छे से रिपोर्ट हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 2 उंगली के करीब, मतलब सॉइल से 2 उंगली के करीब आपको छोड़ देना है, तो यहाँ से बेसल सूट बहुत अच्छी आएंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा और नीचे भी कर सकते हैं, मतलब सॉइल को और ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है, इतना ही रखा है। अब इसमें हम सिंपल ठंडा पानी डालेंगे। पानी हमको तब तक डालना है जब तक कि ड्रेनेज से पानी ना निकलने लगे, हाथ लगाकर पानी डालना है, जिससे कि मिट्टी में किसी भी प्रकार के गड्ढे ना बने। तो मैंने बहुत अच्छे से इसमें पानी डाल दिया है, तो मेरे 3 प्लांट जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। एक प्लांट जो मैंने आपके साथ में रिपोर्टिंग शेयर की है, 2 प्लांट और भी दिखाती हूँ। 2 प्लांट ये हैं ऑरेंज और येलो कलर के, जिनको मैंने रिपोर्ट पहले से ही कर दिया था। अभी मेरे पास में 2 प्लांट और बचे हुए हैं, जो कि सेम वैसा ही येलो कलर का है और ये ऑरेंज कलर का है, इनका भी रिपोर्टिंग कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे 5ों ही प्लांट जो है रिपोर्ट हो चुके हैं, और मैंने एक बार फिर से इनमें पानी डाल दिया है, जिससे कि जब भी मतलब थोड़ा सा भी अगर नहीं गया हो कहीं रूट्स में पानी, तो अच्छे से चला जाए और जो रूट्स हैं उनको ठंडक मिल जाए। अब इन प्लांट को आज हमको कुछ भी करना नहीं है, नेक्स्ट डे जो है अगर आप चाहें तो इनके जो है चाहें क्या करना ही पड़ेगा, इनके फ्लावर आपको हटा देना है, कलियां जो है जहां से ब्रांचेस है वहां से नोड के नीचे से आपको हटा देना है, मतलब कि ये जो 3 पत्तियां हैं 3 पत्ती के नीचे वाले नोड से, मतलब यहाँ से आपको कट कर देना है इन फ्लावर को। और पत्तियां तो अगर आपने सॉइल मिक्स हटाया मेरी तरह, तो जो है पत्तियां अपने आप ही झड़ जाएंगी पीली होकर। तो कलियों को हटाना नेक्स्ट डे बिल्कुल भी ना भूलें। आज आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही शेडी प्लेस में रख देना है। 3 से 4 दिन आपको इनको शेडी प्लेस में रखना है, तो प्लांट जो है हेल्दी ग्रोथ करने लगेंगे। पानी तभी देना है जब मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाए, ड्राई मतलब एकदम से ही ड्राई ना हो जाए। आप उंगली की मदद से फिंगर से चेक करके देखिएगा, अगर मिट्टी में थोड़ी सी नमी दिखाई दे, ऊपर से सूखी दिखाई दे, तो आपको इसमें वाटरिंग कर देना है। और कलियां कट करने के बाद में आपको इसके ऊपर सावरिंग नहीं करानी है, नहीं तो जो है आपको इसमें ब्रांच ऊपर से जो है काली पड़ने लगेगी। तो मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि जिससे मैं बहुत अच्छे से समझा सकूँ, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।